सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग के कौन है वीडियो में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। सो गाइस, आज जिस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं, पाकिस्तान में लड़कियां बोली काश हम भी इंडियन फूड खा पाते हैं। इंडियन फूड खाने की बात तो छोड़ो, तुम तो यहाँ पे सुगंध भी उसका लेने के लिए लायक नहीं हो। ये तो मैं फैक्ट कर रहा हूँ गाइस, आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना गाइस, और इन पोर्कियों का रिएक्शन भी देखना कि क्या कहते हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरह से है गाइज आप लोगों को सारी चीजें पता ही है। और गाइज वीडियो को पूरा एंजॉय करना, और गाइज जो भी इस वीडियो पे नए हैं जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइज, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे, ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो का पूरा एंजॉय कीजिए। In the West, that for example, in the future, when we think of fast food, we think of pani puri instead of hamburger. That radios here would start to play Bollywood music, and that H&M t-shirts would have New Delhi printed on instead of New York. The question about the observations about Indian culture, I don't know if you follow Hindi, but you know there is a term which says aapke muh mein ghee shakkar. मुझे वहाँ के मोमोज, बड़ा पाव और पाव भाजी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ मेरी विश है कि मैं उधर जाके वो खाऊं। अच्छा, तो वो जो इंडिया का एक वो जो बहुत बड़ा थाल होता है जिसमें सारे डिफरेंट खाने होते हैं, वो भी खाना चाहेंगी फिर तुम? जी जी, वो भी बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर उसकी दाल होती है, दाल मखनी होती है, पापड़ होता है, राइस होते हैं, जीरा राइस होते हैं, और क्या कहते हैं उनका, फिर मीठे में आ जाती है गुलाब जामुन, खीर आ गई। जी जी बिल्कुल, वो मुझे बहुत पसंद है। Ambassador Eric Garcetti here. I am so excited to finally get on the road and to explore India. My first trip will take me to Gujarat and Maharashtra. So we're here today in Delhi at the Maharashtra Sadan, and I have three amazing colleagues from Maharashtra who are going to tell me the great dishes to sample. So next to it is my favorite vada pav. This is like a Mumbai slider. Yes. Okay. Bhaji? Bangan. Aubergine. Saoji mutton is basically from Nagpur. Mm-hmm. So this is like a hidden recipe, so you won't find it in any of the restaurants. Incredible. I don't know where it's been hiding, but I'm glad we found it. So this is amras. It's like being able to have dessert in the middle of your meal. Jalwa hai hamara. इंडिया जाने का शौक है? हाँ, थोड़ा बहुत है। इंडिया की कौन सी जगह जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? बॉम्बे और दिल्ली। दिल्ली, ओके। वहाँ का कौन सा खाना जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? यार उनकी एक डिश है, वो नाम लेते होते हैं अक्सर, कुछ होता है क्या कुछ होता है पता नहीं क्या उनकी डिश का नाम है, लेकिन तो बहुत सारी डिश है उनकी, तो मोमोज भी हैं उसके अलावा उनका, और देसी उनकी कढ़ाइयाँ हैं। नहीं, वो जो एक थाल में सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके देते हैं ना, तो वो पूरी पूरी टाइप नहीं, वो कुछ थाल सा होता है, पता कुछ थाल सा। मैं भी वहाँ पे जाके नहीं खा कर रही हूँ। फिर हम ये कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में ना लोग हमें बताएंगे वो क्या थाल सा है। प्रतिमा का आपको खाना कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी डिश? मैंने वहाँ का एक पोहा सुना है, बहुत फेमस। पोहा बनता कैसे? आपने सुना तो अभी बनने की रेसिपी भी बताएं। चावल टाइप कुछ है, पता नहीं, मैंने बहुत सुना है इसलिए। वो इसके हकदार भी हैं। अच्छा, क्योंकि देखें आप उनकी डिशेस, उनके जो खाने हैं आप उनको देखें, उनके स्टाइल और उनकी लज्जत और जो उनके जो करने का, गार्निश करने का जो अंदाज है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा सर, क्या मामला ऐसा है कि जितने बड़े कुक्स हैं वो इंडिया में टेस्ट जो है वो पैदा ही इंडिया में होता है? अगर टेस्ट के अलावा कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ पैदा ही इंडिया में हो रही है, इंडिया इतना डेवलप क्यों करता जा रहा है? देखिए, इंडिया की हिस्ट्री जो है आप देखें ना, ये तो इंडिया तो अब है ना, पाकिस्तान और इंडिया ये सब हम इकट्ठे थे ना, ठीक है, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि शुरू से ही ये यहाँ पर जो खाना खाने वाले जो हैं वो शुरू से ही उनके अंदर बड़ी वो पाई जाती है हमेशा एशिया में। तो मैंने, क्योंकि इंडिया का मैंने विजिट भी किया हुआ है और मैंने इंडिया के खाने भी खाए। वाओ, फिर तो ज़बरदस्त है। कौन सा खाना इंडिया का पसंद है? जो सारा स्टाइल जो वो देखें, उनकी एक थाली होती है, थाली में उनके वो पांच डिशेज होती हैं, ठीक है। अब देखें उसमें से एक थाली में पांच वो हिस्से बने होते हैं, उसमें वो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ठीक है। आप उसको टेस्ट करें, आप ख़त्म हो गया तो मज़ीद आपको दे देते हैं। यहाँ पे हमारा देखें कि यहाँ पे कढ़ाई सिस्टम होता है, वही आप खाए जा रहे हैं, वही आप नान के साथ दर दर लगे हुए, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा लैविश किस्म का है कि आप देखें पांच डिशेज आपके सामने हैं, ठीक है।
अब जब आपके सामने सामने टेबल के ऊपर आपकी प्लेट के ऊपर सामने चीजें पड़ी होती है ना, तो आपका उसको देख के दिल भर जाता है, पेट भर जाता है यार इतनी चीजें। अब ये हमारा जो पाकिस्तानी जो स्टाइल है कि देखें कढ़ाई होती है या कोई भी वो बिरयानी खाते हैं तो वही खाए जाते हैं, साथ में रहता होता है, लेकिन उनका जो स्टाइल है सब्जी होती है, चावल होते हैं, मीठे होते हैं, साथ में सारे एक अच्छे तरीके से, और एक ही प्लेट होती है और उसी प्लेट को आपने इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ पर खाने में शादी ब्याह में देखें एक बंदा पाँच पाँच प्लेटें इस्तेमाल करता है, एक में रायता डाल दिया, एक में चावल, एक में कौरमा, एक में नान, कितने वो वहाँ पे तमीज़ नहीं तमीज़ नहीं है वो, देखिए उनके अंदर तमीज़ है। अच्छा मैं अगर बात कर लूँ इंडिया के खाने आपने खाए हैं, इंडिया के खानों के सामने अगर पाकिस्तान के मैं खानों की बात करूँ तो कैसे हैं? नहीं देखें हमें वो चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी वजह है कि हम गोश्त खो रहे हैं, हम यहाँ पे कढ़ाई खाने वाले मतलब एक दुम्बा खाने वाले बीफ खाने वाले ठीक है वो लोग नहीं खाते, लेकिन तमाम हिंदू ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं खाते भी हैं। हाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग खाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उनका जो स्टाइल है ना, अब देखें मैं हम करतारपुर गए हैं, ननकाना में भी गए हैं, आप देखें वहाँ पर उन्होंने फूड रखे हुए हैं, फल एक साइड पर रखा हुआ है, केले सेब ये खाएं आप, उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं, ठीक है बैठ जाते हैं, उसके बाद सब प्लेट अपनी पकड़ते हैं, वहाँ से एक बंदा पानी में गिलास डालता है, एक बंदा दाल डालता है, एक रोटी देता है, एक रायता देता है, एक चावल देता है, ठीक है इस तरह बंदा आता है वो डाल के चला जाता है, एक तमीज़ है। अब यहाँ पर देखें अब पीसी में वारी में कहीं पर भी मैरियट में पूरे पाकिस्तान में मैंने जो देखा है कि जब वो कहते हैं कि खाना खुल गया है, खुल गया है, अब देखें उसमें PID उसमें MNA MPA सब पैंट कोड भी पहना, जब पैंट कोड वाले बोस्की वाले सब टूट पड़ते हैं, वो ऐसे टूटते हैं जैसे ये दुनिया का आखिरी आखिरी खाना है। तो देखें ये तमीज नहीं है। अब देखें वो हमारे तरह तो नहीं खाते ना, लेकिन उनकी रैंकिंग इसी वजह से है कि जितने भी डेलीगेशन जितने भी लोग जाते हैं वो देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा सब लोग लाइक करते हैं। अब दुम्बा पूरा रोस्ट करके आगे रखते हैं उसकी वैल्यू हो रहा है। अब वही चीज़ें अगर पांच शक्लों में छह शक्लों में आपकी प्लेट में होंगी तो फिर पांचवा नंबर तो बनता है ना। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उधर शहर है, उधर देखेंगे घूमेंगे फिरेंगे, कोई ना कोई अच्छा लग ही जाएगा। कल्चर जो है वो आपको कैसा लगता है? कल्चर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग कर लेते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, लेकिन वैसे ऑल दो अच्छा। उनकी जो होली वगैरह है वो आपको पसंद है? उनके हाँ होली बहुत अच्छी है, कलर जो है बहुत खूबसूरत लगते हैं, होली बहुत अच्छी है जब वो होली खेलते हैं, और अब तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया, कॉलेजेस वगैरह में भी होली खेलते हैं, पूल पार्टीज में, और ये वो होली चलती है, और ये एक अच्छी उनकी वो है रसम है, अच्छी रसम है उनका जो रखते हैं पूरा दिन का व्रत रखते हैं, वो भी अच्छा है हस्बैंड की सलामती के लिए जल भी रख जाती है। इंडिया को पता नहीं क्यों लगता है कि हम लोग उनसे नफरत करते हैं, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वी लव इंडिया और वी लव इंडियंस, क्योंकि अक्सर हमारी वीडियोस के नीचे इंडियंस भी कमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे हमारे ड्रामास वो लोग ज़्यादा देखते हैं हमसे, तो इससे हमें चाहिए कि उनकी तारीफ करें, वी लव इंडिया, थैंक यू। वहाँ पे मैं जाके सबसे पहले शाहरुख खान को और माधुरी दीक्षित को और कटरीना कैफ को, ये तीन तो मेरे मोस्ट फेवरेट है ना, मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस और एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा। अच्छा तो वहाँ का, और अगर आप वहाँ अगर आपकी शादी हो और आपने हनीमून पे जाना तो आप वहाँ इंडिया जाना पसंद करेंगे? क्या कहते हैं ये तो फिर हर हस्बैंड पे भी होता है कि उनसे पूछेंगे कि वो जाना पसंद करते हैं या नहीं करते। सो आई होप गाइस वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत ही मजे के होंगे, और गाइस इन लोगों को खाना हमारा इंडिया है ही ऐसा चीज़ जहाँ पे हर एक स्वाद में अलग टेस्ट हो जाते हैं, और हर एक नए स्वाद का जो इन्वेंशन होता है वो इंडिया में ही होता है, ये तो एक्चुअल सही बात है। आप देखे होंगे एक एक टेस्टी खाना यहीं पे, पानी वाला ऑमलेट, बहुत सारे ऐसे कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते भी होंगे वीडियोज़ पर, तो ऐसे ऐसे चीज़ें बनते रहते हैं इंडिया में गाइस। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की तो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए।